हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने बताया कि किस तरह से तैमूर ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था और उसमें उसने यहाँ के धन को लूटा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसकी इच्छा जो है ख्याति अर्जित करने की थी, नाम कमाने की थी। इसके बाद उसने जो है 1398 ईस्वी में 12,000 की सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। बहुत ही विशाल सेना के साथ उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली में तुगलक शासन की शासन थी। तुगलक शासक वहां पर उस समय शासन कर रहे थे और तुगलक शासकों में नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है वहां का शासक था और वह तैमूर का सामना किया लेकिन युद्ध में परास्त हुआ और परास्त होकर के वह गुजरात की तरफ भाग गया और उसके बाद तैमूर ने इस युद्ध से पूर्व 1,00,000 युद्ध बंदियों को उसने जो है कत्ल करवा दिया। मतलब बहुत ही व्यापक पैमाने पर उसने जो है युद्ध बंदियों को मरवा दिया और कुछ दिल्ली के जो नागरिक थे उन नागरिकों का भी जो है उसके सैनिकों से कुछ कहा सुनी हो गया था। इसके वजह से दिल्ली में भी उसने बहुत बड़ा कत्लेआम करवाया था। इसके बाद वह तैमूर जो है 15 दिन तक दिल्ली में रहा और उसने वहां पर जो है खूब लूट मार की और उसके बाद वह जो है समरकंद लौट गया और उसने जो है जाते समय फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा तथा जम्मू को भी उसने लूटा और उसके बाद जो है अपने राजधानी समरकंद लौट गया। इस मध्य उसने हजारों व्यक्तियों को दास भी बना लिया। जो लोग गिरफ्तार हुए, जिन लोगों को पकड़े गए या जिन लोगों ने उसकी दासता स्वीकार कर ली उनको उसने दास बना लिया। वह अनेक कलाकारों को पकड़कर अपने साथ समरकंद ले गया। अनेक कलाकारों को पकड़कर के ले जाने के पीछे जो उसका उद्देश्य था अपने राजधानी समरकंद को सजाना। तो इस तरह से समरकंद ले गया। उसके बाद उसने किसी का नाम व्यक्ति को मुल्तान, लाहौर तथा नेपालपुर का एक प्रशासक के रूप में उसकी नियुक्ति कर दी, शासक बना दिया और यही खिचड़ खान नामक व्यक्ति जो है आगे चल करके भारत में एक नए राजवंश की नींव डाली जिसे सैयद वंश के नाम से जाना जाता है और यह सैयद वंश बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। इसके 4-5 शासक हुए बहुत ही अल्प अवधि के लिए। उसके बाद में आगे चल करके बहलोल लोधी ने भारत में एक नए राजवंश की नींव डाली जिसे लोधी वंश के नाम से जाना गया। तैमूर के आक्रमण का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा या उस समय जो तुगलक शासक भारत में शासन कर रहे थे उस तुगलक शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसमें सबसे पहले आप जान सकते हैं कि तुगलक वंश का पतन हो गया। तुगलक वंश या दिल्ली सल्तनत के बारे में इतिहासकारों ने बताया है कि दिल्ली सल्तनत में जिन राजवंशों ने शासन किया उन राजवंशों में इतिहासकारों ने गुलाब वंश को सैसव काल बताया और खिलजी वंश को युवावस्था या युवा काल बताया है और तुगलक वंश को जो है उन्होंने वृद्धावस्था का काल बताया। वृद्धावस्था का काल बताने के पीछे जो भी तुगलक शासक थे वह जो है कमजोर थे, आसक्त थे और काफी उनकी उम्र थी। तो इस वजह से तुगलक वंश जो है तैमूर का जो आक्रमण हुआ 1398 में उस आक्रमण को वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसके वजह से धीरे धीरे तुगलक वंश का पतन हो गया और तुगलक वंश के पतन के बाद उसी का जो शासक था ये तैमूर का खिचड़ खान उसने भारत में एक नए राजवंश की नींव डाली थी जिसे सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का भी डिक्टन हुआ। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को एक तरह से विकृत कर दिया और धीरे धीरे
नए राज्यों का निर्माण होने लगा, बहुत से छोटे छोटे राज्य उदित हुए, उसमें जौनपुर, मालवा, ये सब ऐसे नाम आते हैं जिनका नए रूप से गठन हुआ, जो है नए राज्यों के रूप में आए, क्योंकि जो केंद्रीय सरकार थी उसका जो है प्रभाव उस समय था, केंद्रीय सरकार के पास अब इतना सख्त नहीं रह गया था कि वह नए राज्यों के निर्माण को रोक सके। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया। इसके बाद तीसरा जो उसके आक्रमण का प्रभाव पड़ा वह था अकाल तथा रोगों का प्रकोप, क्योंकि उस समय जो है जिस समय उसने आक्रमण किया था उसमें भीषण अकाल भी पड़ा और उसके साथ साथ उसने जो लाखों लोगों को मरवा दिया, वो लाखों लोग जो मारे गए उनके मरने के बाद धीरे धीरे उन सारे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उसने आक्रमण किया था महामारी फैल गया, तरह तरह के रोगों का प्रकोप हो गया, जिसके वजह से जो है ये लंबे समय तक दिल्ली प्रभावित रहा। और ऐसा कहा जाता है कि कितने जगहों पर तो जो है नर कंकालों के जो है मीनार बन चुके थे, इतने लोगों को उसने जो है ये जयपुर ने मरवा दिया था। तो इस तरह से अकाल तथा रोगों का भी प्रकोप बढ़ गया। इसके अतिरिक्त कला पर भी प्रभाव पड़ा, उसने भारत में केवल कलाकृतियों को ही नष्ट नहीं किया बल्कि यहाँ के जो भी कलाकार थे, शिल्पी थे या वास्तु कलाकार थे या स्थापत्य कला के जो भी कलाकार थे, उन सारे कलाकारों को अपने साथ लेकर के वह जबरदस्त चला गया, जिससे भारतीय शिल्प कला को या स्थापत्य कला को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन एक चीज माना जाता है कि जो भारतीय कला थी या जो भारतीय कला की जो शैली थी वह शैली जो है उसके साथ साथ जो है मध्य एशिया तक पहुंच गया। तो इस तरह से जो है कला का यह प्रभाव। इसके अतिरिक्त आर्थिक प्रभाव, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी या तुगलक शासन की जो अर्थव्यवस्था थी वह बिल्कुल जो है छिन्न भिन्न हो गया और बहुत बड़ी आर्थिक क्षति भी भारत को उठानी पड़ी और बहुत सारा धन लूट करके जो है ये तैमूर अपने साथ समरकंद ले गया। तो इस तरह से आर्थिक रूप से भी जो है ये देश बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। नेक्स्ट अगले कदम।